श्रद्धा मैम, श्रद्धा मैम यहाँ फोटो करते हैं। श्रद्धा मैम मैं एक फोटो करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी ब्रो, एक्सक्यूज मी क्रॉसिंग, थोड़ा थोड़ा इसके साइड ले तो पार्टी ये सो साइड हो जा बस। सेंटर 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 समोर ही है। श्रद्धा मैम यो, श्रद्धा मैम, श्रद्धा मैम यो यो मैडम समोर, श्रद्धा मैम यो यो यो। ओके डन, एक और। थैंक यू, रिटर्न भी आई। थैंक यू सो मच। आप सब जाके देखेंगे, आप टिकट्स खरीदेंगे, आप जा
and you all will all enjoy. But I have to say कि वो कम हुआ तो वो अच्छी बात है।
ही अच्छे अच्छे छोरे एडवाइसेस देती है, तो आप उनके पास जाए वो बहुत अच्छे एडवाइसेस देती है। मैम एक एडवाइस हो जाना, एक छिछोरे एडवाइस मैम, मैम रातों को नींद नहीं आनी है। अगर आज एडवाइस मिली तो मैम मैम उस कीड़े को बाहर निकलने दीजिए। बस अभी तो यही एडवाइस है कि यार पिक्चर देख लो। आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी, क्या कर रही है? अलग गाने हैं।
ओके आशिकी जाहिर हो गई हो तो आशिकी जाहिर हो गई, उन्होंने आई लव यू टू बोल दिया, अब आप चैन से दुनिया से प्रस्थान कर सकते हो. ओके एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके दिस इज गोना बी द लास्ट क्वेश्चन, सो हु इज गोइंग अप फॉर इट. ओके वी हैव वन गर्ल राइट देयर, हु नेम विल रीच यू. This is not the last question. आप लोग पूछो यार, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज. So my name is Shriya and my question is for Tahir sir. Hi. So my question to you is that what workout regime did you follow for your role? यार ये मेरे से क्यों नहीं पूछा? Sorry, you'll have to say that again. I didn't hear. What workout routine did you follow to prepare for your role? So Derek, the character in this film, he's supposed to be this sports star. That's the opposite of what I am in real life. I am like a really shy guy. If I was in this auditorium, I would be sitting in the corner, like super quiet. And so this was just an opportunity to play something super different. It took 4 months of training with different national coaches because there are different sports, as you must have seen in the trailer. Also, just to quickly add, he asked a question earlier about what is the Chichore advice? I don't know if I'll get a chance to talk again or come to this college in the near future. So, ek Chichora advice, jo mere ko college se yaad hai, is academics na. I think if you get 40% and you think you're a loser, you're an idiot because your numbers don't define you. But at the same time, if you get 95% and you think you're king, you're an equal idiot because those numbers don't define you either. So it's outside of class that is equally important than inside of class. So that's a Chichore lesson for you guys. Thank you. Sir, I have one last question for all of you. Okay, in fact, it's coming from both of us. Have you all ever picked up any two anchors from KC College because they were so good on stage and taken them to the big screens? If not, then today is the chance. This is the first time for everything. I wish today will be the first time. Please join us here. Please join our friend zone. तुमने कितने भी गाने सुना लो, अंत में सिर्फ friend zone ही मिलेगा. Friend zone तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है. फ्रेंड जोन तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है. यहाँ तो यार लोग बस देख रहे हैं, मैं तो फ्रेंड जोन तक पहुंच गया यार. तो इसके लिए क्या हो रहा है? मतलब ये सेक्स रेशियो देख के मैं सोच रहा हूं इंजीनियरिंग. एग्जैक्टली, ही इज फ्रॉम एनआईटी भोपाल. मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, बहुत कष्ट से गुजरे हैं ये, स्पेशली विद द सेक्स रेशियो. सर क्या मैं सही बोल रहा हूं? बट ऐसे रिपीटिंग करने की जरूरत नहीं. सर माफी चाहूंगा, इंसान हूं, गलतियों का पुतला हूं. ऑफ कर दो भाई माइक को.
It's almost like a superpower for many. नहीं मेरे साथ क्या मुझे अपना ही रोल पसंद नहीं है मुझे सारे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कर रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है सारे लोगों के कैरेक्टर बहुत पसंद है तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि सब सारे लोगों के रोल थोड़ा थोड़ा प्ले कर लूँ ये करूँगा अपना रोल करते करते रियल लाइफ और पर्दे वाली लाइफ में बोर हो चुका हूँ बेवड़े का तो मैं सब थोड़ा थोड़ा चक्कर जाता हूँ सारे लोगों को भाई मेरा तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया मतलब क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ तो लाइफ लॉन्ग सिंगर रहा हूँ तो फिल्मों में आया सोचा रोमांस करने को मिलेगा यहाँ भी इंजीनियर बना दिया और पता चला फर्स्ट डे आई के मैंने मतलब अच्छा आई के केमिस्ट्री ओके ओके तो या सो फॉर श्योर मतलब क्योंकि मैं वो लड़का हूँ जो आप मैं बीच में बैठता ना श्रद्धा का पोस्टर लेके रूम में तो मैं वो लड़का था मैं श्रद्धा के बर्थडे पे मैं उपवास रखता था हाजी अली पैदल जाता था तो फॉर मी लाइक अगर भोपाल अगर दोबारा मौका मिले तो इस पिक्चर को हिट बना देना नीचे कमेंट्स में लिख देना यार मैं ना लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था तो मैं बहुत गेम्स खेलता था और फिल्म ने मुझे बिल्कुल उल्टा कैरेक्टर दे दिया कि बहुत ही शरीफ लड़का है मम्मा बॉय है उसको कुछ नहीं आता उसकी बहुत रैगिंग होती है तो अगर स्वॉप करने का ऑप्शन होगा तो मैं डेरिक का रोल के साथ स्वॉप करना चाहूँगा क्योंकि लाइफ में बहुत गेम्स खेलता था और यहाँ पे मुझे जो गेम खेलना है वो आप पिक्चर में देखेंगे बिल्कुल ही ऑपोजिट है तो डेरिक रोल प्ले यार मुझे कभी गाली देने का मौका नहीं मिला है मुझे अपना किरदार बहुत अच्छा लगता है मैं वो दोस्त हूँ जो अपने बाकी दोस्तों की इच्छाएं पूरी करता है अगर मुझे मौका मिले किरदार सॉल्व करने का तो मैं भी एसिड के साथ ही करूंगा क्योंकि हमारे जो क्रू में 200 लोगों के सामने खुल के चीख के गाली देके और उसके बाद कोई गाली देने के बाद आपको बोले क्या बात है सर वेरी गुड वो कभी नहीं हुआ आज तक लाइफ में तो वो एक्सपीरियंस करना था तो इसलिए अगर वो मिला मौका तो एसिड के साथ मैं सॉल्व करूंगा मुझे लगता है कि अगर मेरे पास अगर जीनी आ जाए और तीन इच्छाएं मांगे तो मैं शायद एक भी ना मांग पाऊं क्योंकि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं अरे क्या कर रहे तू साइड में
अच्छा हुआ है. Hi guys. Ready? We start. Now silence in the room. We start. We will. कौन पूछ कौन रहा किस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है ये बताइए, कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया. ऐसा मन हो रहा था कि यार खत्म ही ना हो, बस स्टेज पे ही बैठे रहना था. आई थिंक कभी भी कॉलेज में जब जाते हैं किसी भी फिल्म के साथ या जनरल कोई भी एक्टिवेशन के लिए, इतना प्यार मिलता है स्टूडेंट से, इतनी एनर्जी होती है पूरे ऑडिटोरियम में, इतना मज़ा आता है. सो आज भी यहाँ पे केसी कॉलेज में छिछोरे फिल्म के साथ जब आए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, जो एक्साइटमेंट थी. एंड हमारी फिल्म भी कॉलेज से रिलेटेड है और वापस गेटिंग बैक टू अ कॉलेज, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलेज विजिट वीव डन. वी स्टार्टेड ऑफ विद केसी कॉलेज हेयर इन मुंबई एंड बहुत सी एक्साइटमेंट थी और बहुत क्रेज़ था और सबको बहुत पसंद आ रहा है ट्रेलर और गाने. जब हम फिल्म बनाते हैं वो एंटरटेन करने के लिए बनाते हैं लोगों को, और हमें हमेशा एक्सपीरियंस बाद में मिलता है. यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑडियंस थी सामने, वो जिस तरीके से हमारा अपना प्यार दे रही थी और जिस तरह से इंटरेक्शन था, वी एक्चुअली फेल्ट व्हाई वी आर मेकिंग दिस फिल्म. सो इट वाज रियली अमेजिंग एंड एज ही सेड दिस इज द फर्स्ट इंटरेक्शन विद कॉलेज, सो इट वाज फैबुलस टू स्टार्ट विद. बहुत ही यंग महसूस कर रहा हूँ आज मैं. मतलब मैं जब आया उनकी टीम की तरफ से कोई आया था और कहा कि आप चेयरपर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, तो मुझे लगा कोई 50 साल की कोई यू नो सीनियर लेडी आएगी, एंड 19 ईयर की कोई लड़की निकल के आई. सो आई वाज लाइक द ओल्डेस्ट इन दिस ग्रुप इज़ 19 ईयर ओल्ड. तो मुझे काफ़ी मैं यंग फील कर रहा हूँ आज. सर उनका सवाल था आपको कैसा लगा? यही यंग. अच्छा अच्छा यंग यूथ. भाई एक्टर की ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा होता है कि जिनके बारे में फिल्म बनी हो, जिनके लिए बनी हो, आप उन्हीं से मिलते हैं और जिस तरह का रिएक्शन, वैसे तो जैसे तुषार कह रहे थे हम बैठ के यूट्यूब में देखते हैं कि रिएक्शन क्या रहा होगा, पर आज ट्रेलर जो है एक भरे ऑडिटोरियम वो भी कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ हमें देखने को मिला, तो असली वाइब जो होती है फिल्म की वो हमें रिएक्शन से आज देख कर पता लगा एंड इट जस्ट लिफ्टेड ऑल आवर स्पिरिट्स. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए. तो फर्स्ट टाइम ऐसा अनुभव था कि मैं इस तरीके के कॉलेज में, इस तरीके के मंच में पहली बार गया और अपने से इस वक्त बहुत कम उम्र के बच्चों के साथ बात करने की कोशिश की, तो बहुत ही अच्छा था. और फिल्म को लेकर भी ये था कि उनके चेहरे देख के ऐसा लग रहा था ये ज़रूर देखेंगे, टिकट ज़रूर खरीदेंगे. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. कॉलेज लाइफ में कुछ मेमोरीज कर सकते हैं यार. हम लोग तो जैसे हमें बंक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी मुझे, क्योंकि मैं थिएटर करता था, तो हमें ना स्कूल के टीचर्स ऐसी अटेंडेंस देते थे, तो हमने तो बंकिंग के नाम पे सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं, तो आई थिंक वही मेरे लिए सबसे इन्जॉयबल टाइम था. मैंने तो बंक ही किया. मैंने प्योर बंक किया. मैं अमेरिका में थी एक साल के लिए, उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट किया. पर एक सब्जेक्ट में मैंने, मतलब एक सब्जेक्ट पूरा मैंने बंक किया, पूरा ही बंक किया, क्योंकि वो सबसे सुबह वाली क्लास थी, तो मैं सोती रहती थी और मैंने बंक किया. और मैं सबको कहूँगी कि ऐसा मत करो प्लीज़, क्योंकि फिर आपको फेल आ जाता है आपके रिपोर्ट कार्ड में, तो वही मिला और पेरेंट्स को पता लगता है और आप फेल हो जाते हो. हाँ काफ़ी डांट पड़ी थी, लेकिन हाँ मतलब वो फिर मैनेज हो गया. मेरी कॉलेज की मेमोरी की अगर बात अगर मैं करूँ तो आई थिंक जब मेरा कॉलेज का स्टार्ट हो रहा था और पहले ही कुछ दिनों के अंदर मैंने कॉलेज बंक करके हमको दीवाना कर गए देखने गया था मैं अपने दोस्तों के साथ, और टिकट मेरी शर्ट की पॉकेट के अंदर रह गई थी, और मम्मी जब रात को मशीन में कपड़े डाल रहे थे तो पॉकेट चेक करते हैं, तो उनको हमको दीवाना कर गई कि 4 टिकटें मिली, तो उन्होंने बोला बेटे कब देखने गए थे, तो उस पर टाइम लिखा हुआ था. मैंने कहा मेरी नहीं, मेरे दोस्तों की है. तो मम्मी ने बहुत प्यार दिया और उस प्यार के बाद मुझे कहा कि बेटा कल से कॉलेज जाना, तो मैं गया, तो मेरे लिए कॉलेज है हमको दीवाना कर गए. आपके लिए क्या है? मेरे लिए धूम वन. तो मैं हम लोगों ने बाढ़ बढ़ा लिए थे. बाढ़ की तरह ही बढ़े थे, बाढ़ आ रही है, तो हमको लगता था कि हम भी जॉन एम्ब्रेम बनेंगे, तो हमने पल्सर ले ली थी, CBZ ये सब ले ली थी.
बट वो जॉन एब्रिम वाली फैक्टर हमारे अंदर थी नहीं है. बट हम उस वक्त कॉलेज में ऐसे होता है कि आप ये सब नहीं सोचते, आपके दिमाग में आप होता है कि हम जॉन हैं. तो हमारा कॉलेज लाइफ भी ऐसी ही रहा है, मतलब सब कुछ कैजुअल. कॉलेज लाइफ खास इसलिए भी है क्योंकि जो कुछ मोस्टली जो लाइफ में फर्स्ट टाइम हम करते हैं वो कॉलेज के उस फोर ईयर्स में ही होता है अक्सर. जैसे पहला प्यार, पहला हार्ट ब्रेक, पहली बार शराब को हाथ लगाना, ये सब जो है ये फेज़ जो है. तो इसलिए बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं कॉलेज लाइफ के साथ, और इस फिल्म में दोबारा हमें वो मोमेंट्स जीने का मौका मिला. मेरे कॉलेज में एक मिस्टर मिश्रा हुआ करते थे जो हिस्ट्री पढ़ाते थे. सॉरी, मेरे को अभी हंसी आ रही है उनके बारे में सोच के. सॉरी मिस्टर मिश्रा. तो पहले ढाई महीने कॉलेज के मैंने बंक किए थे, और फाइनली उन्होंने मेरे घर पे फ़ोन किया, मेरे माँ ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बताया कि आपके बच्चे की शक्ल हमने ढाई महीने तक देखी नहीं. तो मैं घर पहुँचा, हो सकता है इनमें से एक पिक्चर देख के, और मुझसे मेरे माँ ने कहा कि मिस्टर मिश्रा का फ़ोन आया था. और मैंने बोला कौन मिस्टर मिश्रा, मैं तो आम तक नहीं जानता था. तो उन्हें वहीं से पता लग गया था कि मैं कॉलेज कभी गया ही नहीं था. तो जितने मज़े हमने क्लासरूम में किए उतने ही बाहर भी किए थे. होली भी याद आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और हम गाड़ियों में घूमते थे और कच्चे अंडे जो भी मिलता था तो ये छिछोरापन, अंडा मारते थे. तो ये छिछोरापन थी हमने कॉलेज में काफ़ी करी. सर मेरा तो क्या था कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा था उस कॉलेज से ही मैं बोर हो गया था. ठीक है, तो मैं जिस शहर में ज़िले में पढ़ता था धीरे धीरे मैं उस कॉलेज से बोर हो गया था. और मेरा प्लान था मैं शहर से निकलूँगा कहीं सिटी उटी में जाऊँगा पढ़ने. तो घर में बहुत प्रॉब्लम थी कि घर के लोग यहीं पढ़े हैं तुम कहाँ बाहर जाओगे. तो मैंने क्या किया, मैंने एग्ज़ाम पे जो एग्ज़ाम होता है मैंने लिखा ही नहीं कुछ, वहाँ पे एग्ज़ाम ही बंद कर दिया. तब मुझे बाहर जाने का मौका मिला. तो बंक, क्लास बंक नहीं, मैंने कॉलेज ही बंक कर दिया, पूरा छोड़ दिया. ये हुआ. श्रद्धा मैम, इसके आज ही आपने आर के भी गए थे देखा जाए तो फिर आर एस. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. क्या एक्चुअली वहाँ पे गई थी क्योंकि सब मुंबईकर्स को डेफिनेटली पता है कि क्या डिसीजन लिया गया है उन पेड़ों के लिए कि 2700 या 3 या 3000 पेड़ों को काटने का डिसीजन ले चुके हैं. और आई थिंक कि 12 सितंबर को वो काटने वाले हैं. एंड आई थिंक उसके पहले हम सबको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता. तो आई वुड से कि एवरी वन शुड सपोर्ट दिस. एंड ऐसा भी ऐसा है नहीं कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम कम हो गई है एंड उस और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करने, तो वी शुड नॉट बी डूइंग दिस. लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटना कितना सही लगता है. बट बाढ़ भी तो होगी ना, डेवलपमेंट कैसे होगा. तो वही कह रही हूँ कि मैंने आज यहाँ मैंने वो भी मैंने ये बात भी सुनी है आज की एक ऑल्टरनेटिव भी है मेट्रो के लिए, तो वो उन्हें यूज़ करना चाहिए वो सोल्यूशन. बिल्कुल. आई मीन आई एम जस्ट सेइंग अगर हम अपनी कंट्री में देखें फॉर एग्जांपल असम में, वहाँ पे फ्लड्स इसलिए इतने आते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया है. आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न जिसके से हमसे हमारा बारिश होता है बॉम्बे में और जितना पानी भर जाता है पेड़ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से बाढ़ नहीं आती है. सो आई थिंक इफ यू गोना इरैडिकेट सो मेनी ट्रीज सबसे पहली प्रॉब्लम जो आएगी वो तो पानी भर जाएगा. डेवलपमेंट तो बहुत बात की बात है. तो आई थिंक वी नीड टू वर्क विद नेचर रादर देन वर्किंग अगेंस्ट इट. मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली बिल्कुल हमको सेव करना चाहिए. एंड हम श्रद्धा से इनफैक्ट यही बात कर रहे थे. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव दैट श्रद्धा इज टेकिंग एंड वी ऑल्सो ऑल वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड काइंड ऑफ गो देयर. एंड वो नहीं काटने चाहिए, मतलब बहुत साल लगते हैं यार एक पेड़ को. पूरा 3000 पेड़ों को जो अभी है आर्य कॉलोनी कितने साल लगे, तो उसको ऐसे नहीं काटना चाहिए, वो गलत हो जाएगा. और कितने जानवर है, पूरी लाइफ है अंदर. तो इट्स रॉन्ग की पूरी लाइफ ही आप ख़त्म कैसे कर सकते. यार सिंपल है, जिसलिए हम जिंदा हैं, हम जब सांस लेते हैं जो 50% सांस लेने का जो प्रोसेस है वो पेड़ से होता है. तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर 50% ऑफ द रीज़न वाई योर अलाइव बाहर है तो आप उसको काट दोगे? नहीं. तो ये दैट साइंटिफिकली बायोलॉजिकली गलत है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे जब जो ऑक्सीजन हम जो सांस ले रहे हैं वो हमें पेड़ों से मिल रहा है, तो हम क्यों काट रहे हैं उसको. जो आरे कॉलोनी है इट्स कॉल्ड द लंग्स ऑफ बॉम्बे. एंड इफ वी आर सफोकेटिंग आर ओन पीपल इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, तो आप किसके लिए डेवलपमेंट कर रहे हो? अगर कुछ सालों में अगर इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी तो क्या फ़ायदा इस डेवलपमेंट का. एंड आई थिंक इट्स डेफिनेटली एन ऑब्सीन मूव एंड एवरीवन शुड रिवोल्ट अगेंस्ट इट.
आई थिंक सर पेड़ तो बिल्कुल ही नहीं काटना चाहिए और लगाने चाहिए, हम जितना हो सके रेगुलर लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जितने भी वर्ष रहता है, जितने भी वर्ष उसकी आयु रहती है, वो सिर्फ देता है हमको, सिर्फ देता है ऑक्सीजन से लेके बाढ़ से बचाना, फल देना, वो क्या क्या नहीं देता, छांव देना गाँव में, उधर रेगिस्तानों में तो पेड़ नहीं, पेड़ ही तो हैं जो बचाते हैं आदमी को, तो आई थिंक पेड़ काटने का तो सवाल ही नहीं होता, हम कितना लगा सकते हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हमें लगाना चाहिए, हमें रेगुलर पेड़ लगाना चाहिए। थैंक यू।